Welcome to all of you, my dear listeners, students, professionals, and industrialists. Today, I am explaining ethics in human resource management. Means the moral philosophy of ethics. Ethical forms, which is refers to the sense of idealistic position, nature, and the behavior. So, in this system, when we analyze the natures, means the moral philosophy of the ethics, nature of morality, what is morality, and actual nature of the morality, hota kya morality hai, kya morality ka nature kya hai, morality ke characteristics kya hai, moralities ke impacts kya hai, psychology kya hai moral, किस मॉरल साइकोलॉजी पे मॉरल इमेज का फॉर्मूलेशन कर सकते हैं, आइडियलिस्टिक कंडीशन का फॉर्मूलेशन कर सकते हैं, आइडियलिस्टिक इमेज का फॉर्मूलेशन कर सकते हैं, सब चीज का एक इमेज है, सारे चीज़ों का एक नेचर है, ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है, कल्चर का एक नेचर है, ट्रेंड का एक नेचर है, सोसाइटी का एक नेचर है, समय का भी नेचर है, प्रकृति का भी नेचर है, नेचर का भी एक नेचर है, सबके अपने अपने आइडियलिस्टिक कंडीशन के अकॉर्डिंग एक नेचुरल फिनोमेना एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ हम इसी मॉरल कंडीशन में मॉरल सिस्टम्स को समझना चाहेंगे, जिसमें हम डेंटोलॉजी मीन्स ऐसे है डियोनोटोलॉजी, इस कंडीशन में हम क्वेश्चन अबाउट ड्यूटी, what about the nature of responsibility, what about the nature of accountability, what about the nature of relations, what about the relation, friendship relation, administrative relations, systems, union relations, different types of relation regarding to your job profile, job duty, job responsibility. Axiology इसमें जहां हम value पे question उठाते हैं, इस कंसेंट में हम किसी के वैल्यू पे क्वेश्चन उठाते हैं, मींस उसके नेचुरल फिनोमेना पे क्वेश्चन उठाते हैं, जो सही नहीं है या जो सही है, जो सबसे ज़्यादा सही है, एक्सेलेंस है, डिग्री ऑफ एक्सेलेंसी है, जैसे आप बोलते हैं कि दैट पर्सन हैविंग द सेंट साधु है, तो साधु मींस अ पर्सन हु हैव एपेक्सिज्म ऑफ द आइडियोलॉजी, एक ह्यूमन बींग के एपेक्सिज्म पे है, जहाँ किसी भी तरह का ग्रेडीनेस, किसी तरह से एग्रीनेस, किसी भी तरह का डिफरेंट टाइप्स के सोशियो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो रिलेशंस हैं, थाट्स हैं, उनके थाट्स आइडियोलिस्टिक हैं विद द रिलीजियस फॉर्म, विद इन रिस्पेक्ट ऑफ द गॉड, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिन, मीन्स दे कट टू द सोशियो सिविक नेचर, सोशियो सिविक नेचर से वो हट गए हैं, तो वो these types of people formulate a value, a student formulate a strategical value for the regarding your objective, aap jab professional system mein aa rahe hain to aapka ek consent hai kis objective mein, usi consent ke according aap apne aap ko apexism mein le ja rahe hain, aapka nature kya hai, morality kya hai, uske prati usko honestly follow kare aur uske apexism mein jaye, तो यहाँ हम मॉरल ऑफ एथिक्स में दो कैटर को देखते हैं, एक मेटा एथिक्स है और दूसरा नॉर्मेटिव एथिक्स है, ये मेटा एथिक्स में हम मेटा एथिक्स में ये जहाँ हम थियोरेटिकल और नॉर्मेटिव एथिक्स के दो कंसेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिवली जो आपका है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द नेचर वो मॉरलिटी है सारे लोगों के साथ, ऐसे आप इमेजिन करिए एडमिनिस्ट्रेशन के रूल से, सोसाइटी के रूल से, लीडरशिप के रूल से, सिस्टम के रूल से, लॉ के रूल से, नेचर के फॉर्म से, स्टडी के फॉर्म से, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म से, एक कैटेगराइजेशन ऑफ सोसाइटी जो है, एक कैटेगराइजेशन ऑफ एज जो है, कैटेगराइजेशन ऑफ द जेंडर्स जो है, कैटेगराइजेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचर्स जो हैं, वो सारे चीज़ें अपने अपने फॉर्म्स को इस्टेब्लिश करती हैं, अपने अपने चीज़ों को प्रूफ करती हैं,
मेटा फॉर्म में हम एक एपक्सिज्म ऑफ आइडियलिस्टिक थ्योरिटिकल एलेबरेशंस करते हैं, हम एक थ्योरी डेवलप करते हैं, प्रकृति ऐसा होना चाहिए, भगवान का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जज का चरित्र ऐसा होना चाहिए, बट हम ये नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें इन कंटिमिनेशन ऑफ सेंस से कैसे निकलना चाहिए। हमारा चरित्र, एक स्टूडेंट नहीं सोचता कि उसका चरित्र जो है कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल नहीं समझता, प्रॉफिट गेनिंग में वो बहुत ही अलग स्तर तक चले जाते हैं और प्रॉफिट को गेन करते हैं। तो आइडियलिस्टिक कंडीशन ये नहीं है, आप अपने आप को बढ़ाइए लेकिन किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में नुकसान न पहुंचाइए, ये मॉरलिटी है कि अपने बेनिफिट के लिए, जैसे आपने बोला कि चलो फ्रेंड के साथ ये काम एंजॉय करते हैं, बट वो नहीं है उस कंडीशन में जाने, वो बीमार है, वो इल मतलब अनहेल्दी लग रहा है, वो किसी असाइनमेंट में बिजी है, तो उसके साथ आप अननेसेसरी का कोई सिस्टम डेवलप करें। जो वर्क आपके ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग नहीं है आप उसको करें और ऑब्जेक्टिविटी के वर्क को छोड़ें। तो मॉरलिटी ये है कि जहाँ आपका सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व हो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, अगर हम ऑब्जेक्टिव से यहाँ हटा दें तो सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस डाइवर्ट हो जाता है, नेगेटिव थ्रेट में चला जाता है, तो हम पॉजिटिविटी से अलग हो गए और आपका जो फ्रेगनेंस है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो मोटो है वो अलग हो गया। तो यहाँ जब हम अपने मोटिव से, अपने ऑब्जेक्टिविटी से, अपने गोल से अलग तरह से आते हैं, तो हमारा डिसीजन में करने के डिसीजन के जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो बदल जाते हैं। अब इनमें हम दो तरह से सोचते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। तर्क शब्द की जो उत्पत्ति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लॉजिक से हम अपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया को, जो हमारे इंटरेस्ट का है प्रेजेंट सिनेरियो में, उसको हम सही कर लेते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं वो काम अच्छा है, वट्स एवर डन बाई मी इज द वेरी गुड, क्योंकि बाय द लॉजिकली आई प्रूव दैट थिंग्स, बट नेचुरली वॉट इज द ट्रुथ, ट्रुथनेस क्या है नेचुरली, क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मिसगाइड कर रहे हैं या अपने हैबिट नेचर को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मिसगाइड कर रहे हैं, ये लॉजिक है। अब इसी में आप लोग गेम थ्योरी का एक अलग से हमारे पास आएगा, वो हम बनाएंगे, आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो गेम थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव्स हैं जहाँ इक्वेशन सिस्टमेटिक एलेबरेशन है आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ, आपके नेचर के साथ, आपके इंटरेस्ट के साथ, आपके मोटिव के साथ, आपकी डिग्री ऑफ इंटेलिजेंसी के साथ, आप कॉन्शियसनेस ऑफ इनोवेशन के साथ, ये आप अपने आप को डिसीजन के सिनेरियो को डेवलप कर सकते हैं। तो अब ये डिस्क्रिप्शन है, एथिकल डिस्क्रिप्शन के वो टूल्स हैं, फाइंड आउट करना है कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन कॉकस में, इन पैरामीटर में आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ये मॉरल को बढ़ा रहा है, आपके मोटिवेशन को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे मेन मकसद यहाँ कहने का ये है कि ये जो मॉरल है आपका मोटिवेशन का वो, और डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग में हम ये लॉजिकल फॉर्म को ऑप्ट करते हैं या सिस्टमेटिक एलेबरेशंस की बात करते हैं या एथिकल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं या नेचुरल एंड मॉरल के अकॉर्डिंग हम डेवलप करते हैं, जहाँ सेंस कॉन्शियसनेस, इमोशंस और डिओशंस की बात आती है, वहाँ हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं या इग्नोर भी कर लेते हैं या सिस्टमेटिकली उसे हम अलग कर लेते हैं अपने लॉजिक के बदले, अपनी जो रीजनिंग डेवलप करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम, तो हम बहुत हद तक अपने ऑब्जेक्टिव से डिवेट हो जाते हैं। हम बात करते हैं एपिस्टीमोलॉजी पे, जस्टिफिकेशन ऑफ मॉरल व्यू, क्या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो व्यूज़ हैं आपके, जो आपके इंटरेस्ट हैं वो जस्टिफाई हैं, ये आपको देखना होगा। यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज है वो स्पेसिफिकली बेटर है विद रिगार्ड्स टू अदर्स मेथड्स, और इसकी वैलिडिटीज, इसके इम्पैक्ट्स, इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं और इनको डिफरेंशिएट करते हैं
जिससे ट्रस्ट और बिलीव एंड द ऑनेस्टी को जस्टिफाई कर सके, कोई आदमी ट्रस्ट कर सके, कोई ऑनेस्टली आपने कोई चीज़ आप एक स्टेंजा आपने लिख दिया, एक कहानी आपने लिख दिया, तो इस कहानी को जो बच्चे पढ़ेंगे, एक इनोसेंट माइंड जो पढ़ेगा, एक स्ट्रेसफुल माइंड जो पढ़ेगा, एक फ्रस्ट्रेट माइंड जो पढ़ेगा, एक टायर्ड माइंड जो पढ़ेगा, उस पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो एडोलेस्टिकली मे बी चेंज हो जाए। तो अगर आपने गलत यहाँ लिखा है जो है, तो आप पे एक बार के बाद वो बिलीव ट्रस्ट ख़त्म हो गया। इसलिए आप अपने आप को ऑनेस्टली प्रूफ करिए इन चीज़ों को। यहाँ हम इन चीज़ों को लॉजिकली ही डेवलप करते हैं। जैसे डियोनेटिक लॉजिक्स, यहाँ हम ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को एथिकल प्रॉस्पेक्टिस में देखते हैं, लॉजिकल नहीं, एथिकल। तो जब हम सेकेंड फॉर्म में जाते हैं, नेचर ऑफ मॉरल नॉलेज और नेचर ऑफ मॉरल आर्गुमेंट्स में अरेंजमेंट करते हैं दोनों चीज़ों को, तो वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। ये ड्यूनिट मार्जिन जो आपका है, यहाँ रिलेशन ड्यूटी से ऑब्लिगेशन से एथिकल फॉर्म है, ये मेन है आपका, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे आपको फुलफिल करना है। जैसे आप अप्लाई करते हैं, तो चीज़ों को जब हम इन्हीं मॉरल व्यू में, जैसे पहले हमारा आपने देखा होगा एथिक्स के सिस्टम में, तो वहाँ मेटा एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स के बाद में, तो हम प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव्स की बात करते हैं। अब यहाँ हम अप्लाइड अगर कर रहे हैं, जैसे बिजनेस एथिक्स के साथ में, डिफरेंट डायमेंशंस में हम चीज़ों को आइडियलिस्टिक फॉर्म में नहीं ले सकते। अब किसी के डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, तो परसेंटेज ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पीपल्स सेटिस्फाई हो सकते हैं, उनका डिज़ायर फुलफिल हो सकता है, कुछ उसमें से रह जाते हैं। सारे लोगों का डिज़ायर अप टू स्टैंडर्ड, अप टू टेस्ट, अप टू क्वालिटी, अप टू फ्रैगनेंस, अप टू इंटरेस्ट, अप टू साइको सिस्टम्स, कि उनकी साइकोलॉजी क्या चाहती, कौन से कलर का कपड़ा, कौन से कलर का फ्रैगनेंस, कौन से कलर का डिफरेंट है। तो बिजनेस के इस प्रोफेशन में हम चीज़ों को एथिकली कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ परसेंटेज रेटिंग कितनी है हमारी, सारे लोगों का सेटिस्फैक्ट्री लेवल क्या है, लोगों का जेंडर क्या है, लोगों के एज वैरायटी क्या है लोगों के। तो यहाँ अप्लाइड एथिक्स में जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म में आते हैं, तो ये सारे चीज़ें डिफरेंशिएट करती हैं। दूसरा क्वेश्चन आता ये है कि क्या ये हमको पसंद है, कोई चीज़ हम बहुत तरह से सेटिस्फाई हैं, लेकिन क्या इकोनॉमिकली वो बिहेविक है मेरे लिए, आपके लिए? आप कोई चीज़ पसंद करते हैं, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई डिफिकल्टी है यहाँ पे, है ना, किसी भी तरह का लीगल फॉर्मुलेशंस हैं या इलीगल फॉर्मुलेशन को फॉर्मुलेट कर देगी, आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, आगे चल के वो चीज़, जैसे आपकी साइकोलॉजी है, आपका टेस्ट कुछ है कि आगे चल के हम ये काम करते हैं, हम और इससे ज़्यादा, लेकिन वो इलीगलिटीज फॉर्मुलेट कर रही हैं, सोशियो बिहेवियरल इलीगलिटीज फॉर्मुलेट कर रही हैं, साइकोलॉजिकल इलीगलिटीज, जो पैरामीटर के प्रोविजंस में नहीं है, जो रूल्स में नहीं है, जो लोगों की साइकोलॉजी में नहीं है, इन सारे चीज़ों में हम डेवलप करते हैं। तो ये आइडियलिस्टिक कंडीशन की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लोगों पे है, वैरायटी पे, वर्क पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे और पार्टिसिपेंट्स पे। हम इन डिफरेंट टाइप्स के प्रोसीजर्स को स्टडी करना चाहिए हमें, जैसे हमें ये जो नेचुरल एथिकल लीगल फॉर्मुलेशंस हैं, वास्तव में एथिक्स का जो नियम है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के नियम की बात नहीं है, प्रकृति का जो नियम है वो एथिकल फॉर्म है, और उसे हम समझ सकें, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करें, उसके अकॉर्डिंग वर्क करें, तो हम नेचर का विरोध नहीं कर सकते। कभी कभी आप बोलते हैं कि ये चीज़ हो जाए, आप डिमांड करते हैं मंदिर में जाके, तो प्रकृति कभी प्रकृति के सिस्टम का विरोध नहीं करती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि एक महाभारत के एपिसोड में विदुर से किसी ने मांगा था आशीर्वाद, तो उन्होंने कहा हम प्रकृति के नियमों का विरोध करके आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि कोई नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। तो अगर नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आप एथिकल नहीं हैं, आप प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आप एथिकल नहीं हैं, आपके सिस्टम में तर्क से इन चीज़ों को आप फॉर्मुलेट करते हैं। अब मेडिकल सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के एलर्जी के टेस्ट आपके पास होते हैं, अब कौन सा किस
फ्रेग्रेंस किससे क्या आपको सूट कर रहा है, कौन सा आपको सूट नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट के साथ हम एथिकली फॉर्म करते हैं। तो इन्वायरमेंट में फिलोसफी ऑफ साइंस है, साइंस और ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ये साइंस, ये बड़े टिपिकल्स हैं। ये लीगल एथिक्स की बात करते हैं, फिलोसफी ऑफ इकोनॉमिक्स की या बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, फिलोसफी ऑफ लॉ पे बात करते हैं और फिलोसफी ऑफ साइंस की बात करते हैं। डायमेंशंस अलग हैं दोनों के, इन चीज़ों को हम इस तरह से नहीं देख देखते। यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब एथिकल इशूज़ की बात करेंगे अगर HRM में, तो एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्लासिफिकेशन, स्टाफिंग के टाइम पे क्लासिफिकेशन क्या किया गया, जो क्लासिफिकेशन किया गया एज ए ह्यूमन बीइंग आप काम कर रहे हैं नेचर में, एज ए एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन आप काम कर रहे हैं, एज ए रिसीवर पार्टिसिपेंट्स आप काम कर रहे हैं, जो आप पेमेंट ऑफ सैलरी ले बनी हुई है वेजेस सैलरी का जो आप रिटर्न ले रहे हैं, क्या सेंस ऑफ इक्वलिटी आप में है, आप ये आपके कॉन्शियसनेस में ये चीज़ें हैं कि यू फुलफिल द दैट थिंग्स, आप उसे पूरा कर रहे हैं जो आप गेन कर रहे हैं, जितना आप पैसा ले रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू प्रूव योर सेल्फ, उसके हिसाब से कंपनसेशन की प्लान्स आपने। अब अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो ये राइट है एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन का, कि वो आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के सिस्टम में ले जाए, क्योंकि वो सारे इक्विपमेंट आपको दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट के सारे रूल्स आपको रिस्ट्रक्चरिंग करे आपको, जिससे आपके वो जो डिफरेंस हैं आपके प्रोग्रेस में, आपके अचीवमेंट में, आपके स्टैंडर्ड ऑफ फाइंड रिजल्ट में, वो आपका होना चाहिए। बहुत सारे चीज़ें हैं, ले ऑफ भी है, प्राइवेसी ऑफ द कंपनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों में अटेंड करें। प्राइवेसी का कंपनी में हम अलग से डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों पे ले ऑफ भी ये सेपरेट्स हैं, बट इशूज़ हैं, एथिकल इशूज़ हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, और वहाँ से डिफरेंट टाइप्स के मैसेज इंफॉर्मेशन सेंटर में गैदरिंग हो रही है, लीकेज हो रहे हैं, तो इन नंबर ऑफ मेंबर्स पे डाउट्स जाते हैं, और जो डाउट्स क्लियरेंस में आ रहा है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना होगा, क्या होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जानेगा। एथिक्स इन HRM की बात करते हैं, क्योंकि एथिकल फॉर्म में एक नेचुरल लॉ है, तो हमें कंस्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स भी हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एक इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम्स हैं, तो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स के साथ एक सिस्टम ने इस्टेब्लिश किया है उसे आपको फॉलो करना। इसीलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को ऑप्ट करना होता है, ना कि आपकी हैबिट्स को, आपकी हॉबीज़ को, आपकी साइकोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करता है। इंटरव्यू पैनल में HR वाले पूछते हैं आपकी हॉबी क्या है, क्या आपकी हॉबी सूट करती है उनके ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से, अगर सूट करती है तो ये प्लस पॉइंट है, अगर नहीं सूट करती है तो आपके लिए निगेटिव पॉइंट है, यू डोंट नो, क्लोज विंडो है ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशन में आप गए ही नहीं और आपसे पूछा गया कि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी हॉबी कैसी है, जो बिना बताए हैं आपसे आप नहीं जान पाते, और आप बता दें हमारी ये हॉबी है, मैच नहीं करती है तो निगेटिव पॉइंट है आपके लिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सिस्टम, सब चाहते हैं कि यूनिफॉर्म एक हो और वो एडलेस्टिक कंडीशन से हो, किसी के साथ जास्ती ना हो, तो अगर आप ये चाहते हैं कि जास्ती ना हो आपके साथ तो किसी के साथ ना हो, ये सेंस ऑफ इक्वलिटी ऑफ सोसाइटी है, ये होता है। एथिकल लीडर वही है जो सबको जस्टिफाइड फेज में, डिसीजन मेकिंग सिस्टम में कॉपरेट करे और कॉन्शियसनेस हो, कोऑर्डिनेट करे, ये कमिटमेंट है लीडरशिप का। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोविजंस के फंडामेंटल सिस्टम्स हैं, जहां हम कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज, जो नेगेटिव थ्रेड्स हैं, उनको फिनिश करके एक यूनिफॉर्म डेवलप करते हैं, आइडियलिस्टिक कंडीशन को डेवलप करते हैं, और इसके साथ हम सिस्टम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो कंट्रोलिंग का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, वो सारी चीज़ों को हम ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ हम कॉन्फिडेंशियली की बात फिर से करते हैं इंफॉर्मेशन में, और ये हर जगह ही होगा। तो मैं आप लोगों को जो एथिकल फॉर्म है, जिसमें हमने तीन तरह की बातों को बात किया, एक मेटा एथिक्स था,
और नॉर्मेटिव एंड इम्प्लीमेंटेटिव के प्रोविजंस के थे जो अप्लाइड एथिक्स के थ्रू हैं। तो ये सारी चीज़ों में एक अपने कॉन्शियसनेस के साथ में आपको इसे ऑप्ट करना होगा, और आप भी क्वेश्चन फार्मूलेट कर रहे हैं, आप ही उसके आंसर दे रहे हैं, आप ही यूनिफॉर्म डेवलप कर रहे हैं और आप ही यूनिफॉर्म में डिस्ट्रक्शन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीन्स सोल कॉन्शियसनेस इस्टेब्लिश करना, सेल्फ रियलाइजेशन का, ये एथिकल फॉर्मुलेशंस का है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड अदर्स पीपल्स हु विद द थिंग्स, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। किसी भी तरह का कोई आपको क्लासेस में प्रॉब्लम है तो वो क्लासेस के बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो यूट्यूब के क्लासेस कर रहे हैं HRIER, उसके लिए जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं BSM क्लासेस के साथ में, और पार्ट ऑफ नॉलेज दोनों चीज़ें हैं, पार्ट ऑफ नॉलेज और BSM क्लासेस हैं, जिसमें हम मैनेजमेंट के एक लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें आप किसी भी तरह का वो कर सकते हैं, लिंक जो लिखना होगा, नंबर दिया हुआ है और लिंक है, तो आप जो भी किसी भी तरह की स्लाइड या कोई तरह का करेक्शन चाह रहे हैं वो आएंगे। जो किसी इंटरव्यू के लिए चाह रहे हैं वो फ़ोन करें सेम टाइम में, मुझे लगता है शाम के टाइम ठीक होंगे, तो किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए आपका, तो आप हमको इन्फॉर्म करेंगे कि हमें ये नहीं समझ में आया या इस पर हमको मटेरियल चाहिए या इस पर हमको किसी भी तरह का कंसेंट चाहिए, तो वो आपके सारे आंसर के क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस किया जाएगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।